हेलो दोस्तों, तो ये है जो आपके सामने पियाजियो कंपनी का न्यू इलेक्ट्रिक ऑटो। तो इसमें आपको नए चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। पहले से इसमें आपको जो इसकी रेंज थी उसको बढ़ा दिया गया है। तो आपने काफ़ी बार रोडों पे ये इलेक्ट्रिक ऑटो देखा होगा, काफ़ी शानदार इलेक्ट्रिक ऑटो है, कोई भी इसमें से आवाज़ नहीं आती। और अब 2023 के इस नए मॉडल में जो इसकी रेंज है उसको बढ़ा दिया गया है और चार्जिंग टाइम को कम कर दिया गया है। तो आपको जो दिक्कत आती थी इसमें से रेंज की, तो अब इस इलेक्ट्रिक ऑटो में से जो माइलेज की दिक्कत थी उसको हटा दिया गया है। अब दोस्तों आप इसको ज़्यादा चलाकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कुछ लुक्स की। तो फ्रंट में यहाँ पर आपको हेलोजन बेस इसमें हेडलाइट दी गई है और इंडिकेटर की प्लेसिंग साइड में मिलती है। तो आप इसकी प्रॉपर दोस्तों लुक देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का ये ऑटो मिलता है। यहाँ पर नीचे आपको 12 इंच का इसमें टायर साइज दिया गया है और यहाँ पर जो इसके सस्पेंशन है, सस्पेंशन भी काफ़ी स्मूथ है। तो इसके स्मूथ सस्पेंशन की वजह से आप इसको मज़े से चला सकते हैं, आपको इसको चलाने में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर की साइड। तो यहाँ पर आप अंदर में इसका जो इंटीरियर है वो देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का इंटीरियर मिलता है। नीचे की साइड ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इसमें GPS सिस्टम भी दिया गया है, तो अगर आपकी ये गाड़ी गुम हो जाती है तो आप इजीली इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कमाल कमाल के फीचर इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर आप इसके कंट्रोल्स देख सकते हैं, हॉर्न के, लाइट के कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर ऊपर की साइड यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं जैसे कि गाड़ी के कागज़ और पैसे, और बाकी यहाँ पर भी छोटी सी आपको स्पेस मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कंट्रोल्स दिखाऊँ तो यहाँ पर इसके वाइपर के, फ्रंट की लाइट के और पार्किंग के कंट्रोल दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें इंटीरियर देखने को मिलेगा। बाकी नीचे की साइड आपको यहाँ स्पेस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट इसमें स्पीकर भी फिट करवा सकते हैं। और जो सीट है, सीट देख सकते हैं काफ़ी बड़ी सीट दी गई है। और यहाँ पर नीचे की साइड इसकी यहाँ पर ब्रेक सिस्टम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक ऑयल यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपको ये पावरफुल इंटीरियर देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसकी स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको डिजिटल में यहाँ स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आप इसमें माइलेज देख सकते हैं, बैटरी की परसेंटेज देख सकते हैं, और ये भी आपको दिखा गया कि कितनी बैटरी में ये ऑटो कितना चलेगा। और उसी के साथ दोस्तों आपको इसमें रीजनरेशन सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब जब आप किसी उतराई वाली जगह से उतरोगे तो जो इसकी बैटरी है वो अपने आप ही चार्ज होती रहेगी। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको बूस्टर मोटर दी गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी स्पीड है आपको 55 से लेके 60 तक टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप इसको इको मोड में चलाते हैं तो आप ज़्यादा माइलेज भी निकाल सकते हैं। और अगर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसको मोड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसको पीछे और आगे दोनों तरफ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अब आपको दिखाया, तो जैसे हल्की सी स्पीड जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके मीटर में है आपको स्पीड शो होएगी। तो ऐसा कुछ दोस्तों इसका कंसोल होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चलते हैं बैक साइड में, तो यहाँ से आप दोस्तों इसकी लुक्स देख सकते हैं साइड से। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलने वाली हैं FX Max की, और यहाँ स्पेस देखें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जो इसकी सीट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, पैसेंजर को भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, तो पैसेंजर भी दोस्तों इसमें खुश रहने वाला है। बाकी आप इसको अपग्रेड भी करा सकते हैं, फ्रंट में सीट लगाकर आप ज़्यादा बंदे भी बिठा सकते हैं। बाकी यहाँ नीचे की साइड यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आप पैसेंजर के बैग या अपना सामान भी रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ दोस्तों इसके प्रॉपर इंटीरियर दिया गया है। साइड में आपको डोर भी देखने को मिल जाएंगे जो प्रॉपर लुक होने वाले हैं। अब चलते हैं इसके दोस्तों बैक साइड में, तो जो इसकी रूफ है सॉफ्ट टच में दी गई है। बात करते हैं पीछे की साइड से, तो यहाँ पर आप इसकी लुक्स देख सकते हैं, काफ़ी कमाल का ये इलेक्ट्रिक ऑटो लगता है। बाकी यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट मिल जाती है, जब आप इसको पीछे की साइड करेंगे तो ये लाइट जलेंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको फिक्स्ड बैटरी मिल जाती है जो जिसका जो चार्जिंग टाइम है लगभग आपको 3.5 घंटे से 4 घंटे का देखने को मिलता है, जिससे जो इसकी रेंज है आपको 140 किलोमीटर की रेंज मिलती है। जो कंपनी क्लेम करती है वो 150 किलोमीटर की करती है, लेकिन आपको इसमें से 140 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट होने वाला है, तो जो पहले आपको इसमें रेंज कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब दोस्तों आप एक दिन में इसको 140 किलोमीटर तक चला सकते हैं, वो भी 3.5 और 4 घंटे में फुल चार्ज करके। तो काफ़ी अच्छी आपको रेंज मिल जाती है, ज़्यादा पैसे इसमें से अब कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की और डाउन पेमेंट की। तो सर मार्केट में बहुत सारे ऑटो रिक्शा हैं, जैसे महिंद्रा का हो गया, बजाज का हो गया, या बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये वाला ऑटो रिक्शा उनसे बेस्ट क्यों है? सर उन बेस्ट इसलिए है कि मजबूती है सर, देखने में दूर से अच्छा लगता है, और इसमें काफ़ी स्पेस भी है, बंदे बैठते हैं अपना, मतलब खुले डुले अच्छा लगते हैं, मैंने हवा मैनुफैक्चर सही अच्छा है, उससे बेस्ट है। तो सर इसकी जो डाउन पेमेंट है वो कितनी रहेगी? सर इसके डाउन पेमेंट मैक्सिमम में 35,000 35 है। हाँ जी। एंड इसका जो मतलब जो ऑन रोड प्राइस है वो कितना रहेगा? सर 3,50,000 है। 3,50,000 है। तो सर जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ये वाला ऑटो लेना होगा, तो कहाँ पे जाके लेंगे वो? सर सजा ऑटो मोबाइल पंचकूला फेस्टिवल।
पंचकुला में है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों आपने इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो तो सुन लिया होगा, बाकी अगर आप इस इलेक्ट्रिक ऑटो को लेना चाहते हैं तो आप 35,000 की डाउन पेमेंट पर आप इस इलेक्ट्रिक ऑटो को ले सकते हैं। बाकी आपको जो इसका मैंने मोबाइल नंबर था, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप सीधा डायरेक्ट कंपनी से भी पूछ सकते हैं। तो जो कंपनी का मोबाइल नंबर है आपको पीछे देखने को मिल जाएगा जहाँ पर इसका प्राइस बताया है। बाकी दोस्तों अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।